हेलो दोस्तों, एंडरस्टैंड यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जो है कुछ विशेष चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। और ये देखिए, यहाँ पे जो हमारी एनटीपीसी की वैकेंसी है उस पर आपका एनटीपीसी कट ऑफ, ठीक है, जो आपका कट ऑफ है पिछले साल वाला, जो भी आपका 2021 वाला जो यहाँ पे कट ऑफ जो निकल के आया है, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका यहाँ पे यूआर कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का और एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का और ईडब्ल्यू यस का, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या कट ऑफ था उसमें, ठीक है, उसके हिसाब से जो है आगे आपका क्या सेफ जोन रहेगा। ठीक है, जितने लोग भी फॉर्म फिलअप नहीं किया उनके लिए कि सेफ जोन क्या रहेगा, इसके लिए यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मान लीजिए ये जो है कट ऑफ अच्छा लगता है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, कोई भी अगर आपको इसके बारे में डाउट हुए तो उसके लिए भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो पिछला जो कट ऑफ है, जैसे 2021 का हम यहाँ पे देखने वाले हैं पूरे एक एक जोन का, ठीक है, अजमेर का, इलाहाबाद का, बिलासपुर का, सबका यहाँ पे एक एक जोन पूरा यहाँ पे देखने वाले हैं। दूसरी बात देखिए, उसमें आपका वैकेंसी मैक्सिमम था, ठीक है, 25-30 हज़ार आपका वैकेंसी था उस समय का। ठीक है, इसमें आपका वैकेंसी अभी 8,000 के करीब है, कम है। तो एक चीज़ ये जान लीजिए भाई, वैकेंसी कम रहेगा, बच्चे कम नहीं है, कब बच्चे बहुत फॉर्म फिलअप करेंगे, तो अगर इतना वैकेंसी रहा तो कट ऑफ तो बिल्कुल है कि हाई जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वैकेंसी इसमें इंक्रीज होता है तो कट ऑफ थोड़ा नीचे आने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि फॉर्म कितना फिलअप हुआ है और आपकी वैकेंसी कितना है। तो अभी तो एक महीना फॉर्म फिलअप में टाइम है, तो लोग अपने फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ये लास्ट में पता चलेगा कि आपका जो एग्ज़ाम हो तो कितना आपका कट ऑफ जा सकता है एग्ज़ाम होने के बाद। ठीक है, तो ये तो लास्ट वाली बात है, जब CBT 1 आपका फाइनल हो जाएगा तब हम ये सब सारा चीज़ देखेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम थोड़ा सा एनालिसिस इसलिए कर ले रहे हैं ताकि कई लोग ऐसे होंगे जो फॉर्म फिलअप नहीं किए होंगे, उनके लिए कि वो लोग ये देख लें पिछले साल का जो कट ऑफ था उसको देख कर और अपने हिसाब से वहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा देखिए आपका ये जोन आपका आता है। और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हम लेवल 5 के लिए यहाँ बात कर रहे हैं, लेवल 5, इसमें आपको लेवल 5 और क्या आया था, लेवल 6 आपको आया था। ठीक है, लेवल 5 और लेवल 6 दो यहाँ पे आपको पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। पोस्ट का मतलब लेवल, आपको इस लेवल में इतने पोस्ट होते हैं। ठीक है, तो आज हम लेवल 5 की बात करेंगे, लेवल 6 पर भी बात करेंगे, लेकिन हम कभी बाद में बात करेंगे दोनों में डिफरेंसेस क्या है, कितना आपको पढ़ना है, सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक एक चीज़ यहाँ पे खोल कर पढ़ेंगे। और यहाँ पे जीके जीएस का भी हम लोग क्लास देख रहे हैं, उसके लिए भी आप चाहें तो क्लास अटेंड कर सकते हैं, प्रीवियस सेट के पैटर्न पर ही प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अजमेर जोन की बात करते हैं। अजमेर जोन में आपका इसका कितना गया था यहाँ पे यू आर का, तो देखिए लेवल 5 में यू आर का अजमेर जोन का आप देखिए सबसे, आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको देखना है तो 74.59 ये आपका अजमेर जोन का यहाँ पे यू आर कैटेगरी का यहाँ पे गया था। ठीक है, इसी तरह से ओबीसी का देखेंगे तो ये आपका गया था 70.8133। ठीक है, तो ये आपका था। एससी का देखें तो एससी का था 63.127 ये था, और एसटी का देखें तो ये था 62.1। ठीक है, यहाँ पे 62.15। ठीक है, तो ये आपका 53 करके इतना गया था। ठीक है, तो आप देखिए एक्सप्रॉक्स देखिए, तो इससे तो ये ओबीसी का कम ही था और इससे आपका एससी कम था, और एससी से कम आपका एसटी जाएगा, तो ये आपका रेशियो रहने वाला है। और दूसरी बात, ये डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का देखिए 65 नंबर गया था। ठीक है, 65.81 ये आपका यहाँ पे कट ऑफ गया था। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम अजमेर जोन के बारे में पता कर लिए। अब हम हमारा जोन जो होगा यहाँ पे, हमारा जो अगला जोन है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद जोन यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी आपका लेवल 5 का ही है। और इलाहाबाद जोन में आपका यहाँ पे, सॉरी ये अहमदाबाद है, सॉरी हम इलाहाबाद बोल देते हैं, इलाहाबाद में देखेंगे ये अहमदाबाद है। और अहमदाबाद के लिए आपका गया था 64.77 ये आपका गया था। ठीक है, 780 को बोल सकते हैं। ओबीसी का आपका गया था 16.151। ठीक है, और एससी के लिए 59. यहाँ पे आपको 26 ये आपका यहाँ पे गया था। एसटी के लिए अगर आप देखें तो 53.9 करके यहाँ पे, ये इसको आप बोल सकते हैं 54 के लगभग में। ठीक है, तो इसी तरह से आपका ईडब्ल्यूएस का 51.48, मतलब इसको 9 तो 51.5 ये आपका इतना इसका बोल सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपका रेशियो रहने वाला पॉइंट में आपको बहुत ज्यादा केयर नहीं करना है। देखिए केयर तब होता है जब आप मतलब एक रेशियो लेके चलेंगे ना, इतना हमारा ये पिछले साल का पूछा गया था, अब हमारी वैकेंसी कितनी है, फॉर्म कितना फिलअप हो रहा है, उसके हिसाब से आपका कट ऑफ जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो ये पिछले साल का आपका था 2021 का, यहाँ पे देख लेंगे हम ये अहमदाबाद पे देखें। अब देखिए आगे का और देख लेते हैं, आगे हमारा कौन सा जोन है, तो ये हमारा सॉरी ये तो अजमेर जोन तो देख ही चुके हैं, ये कि इलाहाबाद। ठीक है, यहाँ पे इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे BAD होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जोन इलाहाबाद का हमारा UR का देखिए, तो UR का इसमें आपका गया था इलाहाबाद में आपका 76.939। ठीक है, OBC का अगर आप देखें तो 17.78। ठीक है, SC का अगर आप देखें तो 64.38। ST का कितना होगा 54.11 इस तरह से, और EWS का देखें 65.98। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कट ऑफ गई थी इलाहाबाद की। उसके बाद से चंडीगढ़, देखिए चंडीगढ़ का अगर आप देखें ध्यान से जोन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ का UR आपका यहाँ पे कितना गया था, UR 73 गया था। देखिए उसमें 75 था, यहाँ पे 73.76 और OBC का आपका 64, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको कम देखने को मिला था यहाँ पे। ठीक है, 71 यहाँ पे ये 64.719 इस तरह के आपका गया था। ठीक है, और ST का देख लेंगे तो 62.35 ये था, और ST का देखें तो 55.33। ठीक है, और EWS का कितना था 59.61। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा आपका यहाँ पे कट ऑफ गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जोन आपका अगला जोन है आपका रांची। ठीक है, झारखंड में पड़ता है रांची, और रांची जोन का यहाँ पे UR कैटेगरी का 2021 का जो आपका गया था लेवल 5 में, ये था आपका यहाँ पे देखेंगे तो 74 इसका भी था। ठीक है, तो इसका भी सेम ही यहाँ पे था 74.317। ठीक है, इस तरह से OBC में अगर आप देखें तो 69.30975 ये गया था, और SC का 16.29 यहाँ पे ये गया था, और ST का कितना गया था 53.467। ठीक है, और EWS का कितना गया था 57.428। ठीक है, ये था। अब देखिए रांची के बाद से आप अपना देखिए तो मालदा के देखिए यहाँ पे जोन आपका मालदा होगा, लेवल 5 होगा। UR में देखिए तो UR में आपका 73.88। ठीक है, और OBC में 69.349। SC का कितना हो जाएगा 61.589, मतलब इस तरह हो जाएगा 61 का। ठीक है, और ST का इसमें 49.8। ठीक है, और EWS का कितना हो जाएगा 65.89। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मालदा हो गया। आप देख रहे हैं एक एक चीज़ आप मिला लीजिएगा कितना से क्या क्या आपका यहाँ पे गया है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम जरूर पूछ सकते हैं। देखिए एक चीज़ हम यहाँ पे गड़बड़ करें, इसका पोस्ट कितना था। ठीक है, तो हमने पोस्ट यहाँ पे नहीं लिए हैं। ठीक है, तो पोस्ट आप देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है कि मान लीजिए 8000 अभी वैकेंसी आई है, तो जाहिर सी बात है कि भाई किसी में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पोस्ट कहीं ना कहीं भाई इसी में सबको देना है, सारे जोन को देना है, तो कहीं ना कहीं पोस्ट कम ही है। ठीक है, लेकिन पिछले साल का पोस्ट कितना था, मैंने पोस्ट यहाँ पे नहीं लिया है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ये रखिए 20-25 हज़ार अगर वैकेंसी है तो अच्छा खासा पोस्ट इसमें होगा, इसमें वैकेंसी कम है तो थोड़ा कम होगा, तो आपका जो है कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा जा सकती है। ठीक है, लेकिन पिछले साल के हिसाब से अगर आप देख कर चले तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फायदा होगा। ठीक है, तो UR कैटेगरी का तिरुवनंतपुरम का अगर आप देखें तो ये कितना, ये खाद काफ़ी अच्छा गया था 61.35 गया था। OBC का अगर आप देखें तो 55. कितना गया था 168 गया था। SC का देखें तो SC का 41.48 गया था। ठीक है, ST का देखें तो ये 43.25 गया था। ठीक है, EWS का देखें तो 14.94 ये गया था। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को आपको यहाँ पे देखना है। तो बात से भुवनेश्वर देखिए, भुवनेश्वर क्या है आपका, भुवनेश्वर में देखिए तो EWS का देखिए भुवनेश्वर आपका हो जाएगा लेवल 5 का 71.79, और OBC का देखिए तो ये 65.44, SC का देखिए तो SC का गया था 56.09, और ST का देखिए तो ST का 49.9 ये आपका गया था, EWS का 56.83। ठीक है,
EWS का, ये आपका होगा भुवनेश्वर। और देखिए अगला देखिए कोलकाता, ठीक है, कोलकाता यू आर 67.69, ठीक है। ओबीसी का देखिए तो 62.88, ठीक है। एसटी का, एससी का देखेंगे तो ये आपका 55.38 ये गया था, और एसटी का कितना था 49.8, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का कितना का था 55.145, मतलब इसको 5 ही बोल सकते हैं, तो इतना आपका गया था 55, ठीक है। तो एक एक जोन का यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना आपका कट ऑफ गया था, और आप एनालिसिस खुद से कर सकते हैं कि आपका हमको किस में फॉर्म भरना चाहिए। खासतौर पे आप जहाँ से हैं वहाँ से भरिएगा, लेकिन हाँ अगर ज़्यादा कम है वैकेंसी तो आप और भी सारे जोन को चूज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो कोलकाता का हमने देख लिया, अब देखिए सिकंदराबाद, ठीक है। तो सिकंदराबाद का अगर देखें यहाँ पे जोन सिकंदराबाद, तो यू आर इसमें कितना हो जाएगा, यू आर का होगा 69.9 यहाँ पे 98, मतलब इसको 9 बोल सकते हैं। ओबीसी का आपका है 65.67, एससी का कितना है तो 56.28, एसटी का कितना है, एसटी का 49.23, और ईडब्ल्यूएस का कितना है 55.7, ठीक है। तो ये आपका जोन वाइज यहाँ पे हम लोगों ने कट ऑफ देख लिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का आपका यहाँ पे देखेंगे इसका यू आर का जो आपका गया था, ये गया था 67, ठीक है, 67 यहाँ पे आपका गया था 67.9, और ओबीसी का कितना गया था तो 62.608, ठीक है। एससी का आपका कितना है 54.69, ठीक है, और एसटी का कितना गया था, एसटी का यहाँ पे गया था 49.45, और ईडब्ल्यूएस का 58.9। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब देखिए अगला हम गुवाहाटी, ठीक है, असम में पड़ता है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी का यहाँ पे आपका ये यू आर जो यहाँ पे गुवाहाटी का गया था, इसमें देखिए ये काफी अच्छा गया था, यहाँ पे 64 कितना गया था 28, ठीक है। ये आपका यहाँ पे गया था। ओबीसी का अगर आप बात करें तो ये 60 गया था, 16.08 इस तरह से, और एसटी का, एससी का बात करें तो 53 यहाँ पे 87 करके गया था। एसटी का देखें तो एसटी का, एससी का, एसटी का, एसटी का 47.39 करके यहाँ पे गया था। ईडब्ल्यूएस का 46.89 यहाँ पे ये आपका गया था, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आपका यहाँ पे था, ठीक है। अब देखिए हम तीन और जोन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिलीगुड़ी का, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी का यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस का जो था ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा टफ देखने को 68.63, ठीक है। और यहाँ पे ओबीसी का आपका जो था ओबीसी का 64 गया था, ठीक है। एससी का देखें, एससी का आपको देखिए अब हम पॉइंट में नहीं बताएंगे, 59 के करीब गया था, ठीक है, 59.31 था। और एसटी का देखिए तो 15.83, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का 54.88 इस तरह से आपका गया था, ठीक है। तो सिलीगुड़ी का हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। दो और जोन हम देखेंगे यहाँ पे, दो और जोन आपका है चेन्नई, सॉरी यही है आपका लास्ट चेन्नई। यहाँ पे चेन्नई की बात करें तो ये भी आपका इसमें अच्छा गया था, 66 यहाँ पे गया था, 66.9 यहाँ पे 1 चेन्नई का था। ओबीसी का देखिए 62.94 ये, और एससी का 54.89, ठीक है, और एसटी का 96, और ईडब्ल्यूएस का 94। चलिए तो ये था हमारा, देखिए ये हमारा लास्ट यहाँ पे जोन था, ठीक है, चेन्नई जोन था। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप यहाँ पे पूरे जितने भी हमने आपको बता दिया कि कौन कौन सा आपका
आपका गया था। आगे इसमें और भी सारे जितने भी चीज़ आपके ज़रूरत के लायक होगा उसको जरूर हम यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखने वाले हैं। तो आपको क्लास कैसा लगा, आपको जो भी ये एनालिसिस था ये कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर आप एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा, ठीक है। और इसके बाद से अगर आप जीके जीएस के हमारे यहाँ क्लास करना चाहते हैं जीके जीएस का, ठीक है, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल पर जाके उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा क्लास, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा ये आज का कट ऑफ। और भी सारे हम कट ऑफ लेवल्स इसका भी देखेंगे, इसमें कौन सा जोन सबसे ज़्यादा टफ है, आने वाले जोन में किस में आपके कट ऑफ तेज बन सकते हैं, इसको भी हम एनालिसिस करके जरूर आपके समक्ष रखेंगे। तो ये था, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।